कोजरा और हॉकी का खेल दोनों लाजमो मलजूम के तौर पर देखे जाते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी हॉकी टीम विक्ट्री स्टैंड से दूर होने लगी, कोजरा में हॉकी का खेल भी मांद पड़ने लगा। हर बैन अल-अक़वामी मुकाबला जीतने वाली हॉकी टीम रैंकिंग में कहीं नजर नहीं आती। वजूहात क्या है, आइए चलते हैं कोजरा और माहरीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फेडरेशन में लोग आना शुरू हुए, वो अनकम्पिटेंट थे, यानी कि वो इस अहल ही नहीं थे कि वो हॉकी को ऊपर लेके जाते। गवर्नमेंट ने अगर डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स स्पेशली हॉकी अगर बंद कर दी तो समझ लें कि उसकी मौत है, हॉकी की भी और पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की। अगर डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए तो हॉकी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। कौमी खेल हॉकी का कभी पाकिस्तान में डंका बजता था, 3 ओलंपिक्स, 4 आलमी कप और 3 चैंपियन ट्रॉफी जीतने का आजाज पाकिस्तान के पास रहा, और एक वक्त वो भी आया कि दुनिया भर में हमारी पहचान हॉकी वाले पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान से तकरीबन मैं 20 साल हॉकी खेला हूँ और दुनिया के तमाम इवेंट्स मैंने खेले हैं और मैं 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेला हूँ पाकिस्तान की तरफ से। गवर्नमेंट ने अगर डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स स्पेशली हॉकी अगर बंद कर दी तो समझ लें कि उसकी मौत है, हॉकी की भी और पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की। पे गवर्नमेंट ने कम्पिटेंट और ऑनेस्ट बंदे लेके आने होते हैं स्पोर्ट्स में, हर फेडरेशन की जो मेन हेड होते हैं उनको। नंबर दो, फाइनेंस करना होता है। गवर्नमेंट जब तक फाइनेंस नहीं करेगी और जब तक प्लेयर्स को उनका रोज़गार यानी कि जॉब्स और या उनको वज़ाइफ या उनका स्कॉलरशिप मंथली और एनुअली नहीं लगाएगी तो हॉकी और स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा सकती। पाकिस्तान के लिए जो मेडल्स वगैरह लेकर आए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोजरा के हॉकी का, पाकिस्तान की हॉकी में बैकबोन का किरदार है। ये मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि उस वक्त फाइनल में अगेंस्ट हॉलैंड के सदर पाकिस्तान उस वक्त लखारी साहब थे, तो मैच जो है वो ड्रा हो गया था, फिर एक्स्ट्रा टाइम भी ड्रा हो गया था, उसके बाद जो है स्ट्रोक लगे थे, तो उस स्ट्रोक लगाने वालों में से 5 के 5 जो है वो कोजरा के थे। तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है, मैं समझता हूँ इस सिटी को जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 जो खिलाड़ियों ने जो है ना वो गोल किए हैं और इस तरह पाकिस्तान जो है वो 1994 में चैम्पियंस ट्रॉफी का विनर हुआ। उस वक्त मैं आपको बताता हूँ जब सदर पाकिस्तान पूछ रहे थे ये लड़के जो जा रहे हैं स्कोर करने के लिए, प्लेंटी स्ट्रोक लगाने के लिए, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जब फर्स्ट कोई गया कोजरा का खिलाड़ी, उस्मान गया, मैं गया, थर्ड अरफान गया, ताहिर जमा गया, बारी बारी पूछते रहे वो। जब उन्होंने कहा कि यार ये सारे कोजरा के हैं, तो उन्होंने हमारे हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट को कहा कि यार ये कोजरा वर्सेस नीदरलैंड हो रहा है या पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड हो रहा है, तो ये एक बड़े एजाज की बात है। उसके बाद जो है ना उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि क्यों ना अगर वहाँ से इतना टैलेंट जो है वो आ रहा है तो वहाँ की हॉकी में फैसिलिटीज क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं है, ये ग्रास रूट लेवल की तमाम पैदावार है। तो फिर उन्होंने एक 800 ट्रक उस वक्त अनाउंस की थी जो आज जो है ना कोजरा में लगी, उस वक्त ये मंजूरी थी। इनके पास अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए, जो प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। आपका ग्रास रूट लेवल इस वक्त टोटली डेड है। जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो टॉप लेवल पे आपको विक्ट्री नहीं आ सकती, आपके पास टैलेंट नहीं आ सकता। मैं आपको एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि उस वक्त स्कूल में हॉकी कंपल्सरी होती थी, ठीक है, आपके पास स्कूल्स में फंड्स होते थे, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाती थी, हॉकी निकर शूज़ हर चीज़ जो है ना वो दी जाती थी। तो आप देखें कि स्कूल लेवल पे प्लेयर्स को इतनी मुराद दी जाती थी, तो उसमें एक इंकरेज मिलती है प्लेयर्स को, एक पता मोटिवेशन मिलती है कि यार मुझे हॉकी भी मिली है, मुझे शूज़ भी मिले हैं, मुझे निकर और शर्ट दिए, तो सब कुछ मिला है। तो वो फिर जो है ना वो ग्राउंड पर लगातार जो है वो अपनी जो है ना कोशिश होती है कि मैं ग्राउंड में जाऊँ। तो प्लेयर्स को बेसिकली इस लेवल के प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल पे लाना सबसे बड़ी बात होती है कि एक बच्चा जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है वो ग्राउंड पे आ रहा है, तो जब वो ग्राउंड में आना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई मकाम हासिल कर लेता है। तो प्लेयर्स को एक लालच होती थी कि यार मुझे एक स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बाद मुझे अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा डिक्लाइन जो है वो ये है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो इस वक्त मौजूदा सूरत में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा टेन्योर गुजारा स्पोर्ट्स में,
तो जिस तरह वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, हम भी वर्ल्ड चैंपियन, तो हम उनसे पुरजोर रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदाया क्रिकेट एक प्रोफेशनल गेम है, हॉकी एक एमेच्योर स्पोर्ट्स है, हॉकी के लिए आप स्पेशली ये डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड अदारे को दोबारा बहाल करें ताकि प्लेयर्स को ये कम से कम ये तो हो कि जब मैंने पाकिस्तान हॉकी टीम को टच करना है तो मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने जो है वो डिपार्टमेंट भी लेनी है, मैंने जो है ना वो किसी और जगह पर फाइनेंशियली मुझे स्पोर्ट भी मिलनी है। तो ये बजाय कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को अच्छा करने की बजाय उन्होंने ये स्टेप लिया कि डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म कर दिए स्पोर्ट्स के। पाकिस्तान की हॉकी जो है ना वो क्लब पे बेस करती है और क्लब जो है वो बेस करती है स्कूल पे। फिर उसके बाद ये होना चाहिए स्कूल, इंटर स्कूल होनी चाहिए, इंटर कॉलेजिएट होना चाहिए, फिर इंटरवर्सिटी होना चाहिए, फिर उसके बाद पाकिस्तान के कैंप शब ये आते हैं जो इंटर कॉलेजिएट हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन के, वहाँ 100 होंगे, खेलने कितनी आती हैं 4 टीमें, अब बताएं क्या आएगा। फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन में टूर्नामेंट ख़त्म कर दो, क्या खेलना है इसमें कौन, जब ये अरबाब इख्तियार या जो जो स्पोर्ट्स के बंदे हैं उनकी सोच ऐसी हो गई तो वो तो ख़राब है, फिर तो हॉकी नहीं इसमें उठ ही नहीं सकती। इसके लिए बाकायदा इनको एक जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और जो ऑफिशियल हैं इनसे मुतल्लिका हों और उनमें ये सोच हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मुझे आज ही नहीं चाहिए, मैंने जो अपना काम करना है वो मैं कर जाऊँ, फिर उसके बाद और जो आएंगे वो इस दीवार पर इस बुनियाद पर दीवार बनाएंगे, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर तो काम हो जाएगा। डिस्कशन चल रही है कि हमने एशियन स्टाइल खेलना है या यूरोपियन स्टाइल खेलना है, आप एक तो ये फैसला कर लेना कौन सा खेलना है और वो बता दें स्कूल पे शुरू हो जाए। स्कूल पे हम शुरू करते हैं एक गोलकीपर, 2 फुलबैक, 3 हाफ, 5 अटैकर, हम ये शुरू करते हैं कि राइट हाफ सपोर्टिंग जाएगा, सेंटर हाफ सपोर्टिंग जाएगा, लेफ्ट हाफ डिफेंडर रहेगा, डिफेंस रहेगा, गोलकीपर के पीछे से भी बॉल उठाएगा। तो यहाँ जब ये लड़का जो पाकिस्तान में कैंप में आता है 18-19 साल में, जो उसके दिमाग में तो ये ट्रैक बन जाता है कि ऐसे खेलना है, ऑल ऑफ अ सडन आप चेंज कर देते हो वहाँ कि ये नहीं ये करना है, तो फिर वो कंफ्यूज रहता है। तो आप काइंडली जो भी करना आप इससे फैसला कर लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें स्कूल से, ताकि उसके बच्चों को पता चला कि हमने ये करना और ऐसे करना। फिर दूसरे मैंने कहा उनका उसमें वो मास्टर है, कोच को आप बुला रहे हैं उसके स्टाइल में वो मास्टर है, हम हैं बिगनर, तो कैसे वो तो डोमिनेट वही करेंगे ना। जब किसी को पता ही नहीं, किसी के मैंने वहाँ मेरे वहाँ जाना है मैंने, और जो वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें तो पहले ही पता ना, वो तो मार ही खाएगा जो वहाँ जिसको पता ही नहीं मैंने कहाँ ये किधर से गुजरना है, किधर से निकलना है, किधर से जाना है, तो वो जो पहले बैठे हुए हैं वो तो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे वही, ये उनका हाल है। ये मैं कहता हूँ ये मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी कोच हमारे बड़े अच्छे अच्छे कोच हैं उनको लगाएँ, उनको काम दें, वो करेंगे। आसिफ अरोड़ा साहब की खिदमत बहुत है, नो डाउट, वो तो हॉकी उनका ओढ़ना बिछाना थी, उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़े खिलाड़ी निकालने हैं, सुबह से शाम तक वो हॉकी में रहते थे और टाइम के जो है ना वो सुबह बहुत पाबंद थे, जो नहीं आता था फिर थोड़ा सा फिजिकली डील करते थे उसको हॉकी में, उनके हॉकी में उनकी खिदमत जो है ना नाकाबिल फरामोश। स्कूलों में स्टार लेना चाहिए बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं छोटी एज के बच्चे, वहाँ से दोबारा शुरू किया जाए, वहाँ से शुरू, इसलिए फिर जो जब नए बच्चे एक स्टाइल से खेलेंगे तो वो फिर ऊपर आएंगे, ऊपर आते आते फिर हॉकी का अरूज हो जाए। अगर डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए तो हॉकी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, इसलिए पहले ही डिपार्टमेंट, मेरा ख्याल है 3-4 डिपार्टमेंट हैं जो बाकी डिपार्टमेंट सारे बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि डिपार्टमेंट खोलें और बच्चों को मौका दें, बच्चों को चांस बने और शौक पैदा हो हॉकी का, तो हॉकी का रूझ खुद ब खुद आ जाएगा। साद असलम रोडा जिन्होंने हॉकी पे बहुत मेहनत की, पहले खुद खेले पाकिस्तान टीम में, गोजरा का सब पहला नाम उन्हीं का है, जब उन्होंने हॉकी छोड़ी है तो उन्होंने ग्राउंड पे ही टाइम दिया, जब तक उन्होंने टाइम दिया पाकिस्तान की टीम में 5-6 लड़के गोजरा के होते थे, जिसकी उसकी वजह से गोजरा को हॉकी विलेज भी कहा गया। लड़कों का शौक़ ख़त्म हो गया, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं, विक्ट्री ख़त्म हो गई है, पहले बहुत विक्ट्री थी, इस वजह से लोगों बच्चों का शौक़ बहुत होता था हॉकी खेलने के लिए, ग्राउंड पे जाते थे, ग्राउंड पे माँ बाप खुद लेकर जाते थे ग्राउंड पे, अब विक्ट्री ख़त्म हो गया, ऊपर से डिपार्टमेंटों ने टीमें ख़त्म कर दी हैं, उसकी वजह से भी जो है और गवर्नमेंट जो है वो हॉकी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही, जिसकी वजह से हॉकी का शौक़ का बहुत कम हो गया। आजकल की हॉकी जो है वो नए से यूरोपियन स्टाइल से इन्होंने शुरू कर दी है,
जिसका मुझे अभी तक तो कोई इसका रिजल्ट नहीं नज़र आया। हॉकी नीचे ही गई है, लेकिन ये है कि अब पहले वाला अगर स्टाइल ये शुरू करें तो हो सकता है कि फिर हॉकी का रूज आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए रिज़ल्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट ही नहीं निकल रहा। बहुत मेहनत करवा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट अभी कुछ नहीं आ रहा। कहीं जाए कोई टीम से जान जाती है, हार के आ जाती है। ईमानदार लोग लाए जाएँ, अच्छे लोग लाए जाएँ, तो जो भी अच्छे लोग हैं उनको लाए जाएँ, उस वजह से बेहतरी आएगी। हॉकी का खेल गोजरा में ही जवाल पजीर नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी हॉकी के खेल में पाकिस्तान का तारुफ धुंधलाने लगा है। हालांकि पाकिस्तान 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 3 मरतबा ओलंपिक्स, 3 मरतबा ही चैंपियन ट्रॉफी, 8 बार एशियन गेम्स, 3 मरतबा एशिया कप और दीगर कई बड़े मुकाबले जीत चुका है। वजूहात हमारे सामने है। हॉकी की सरकारी सरपरस्ती ना होने के बराबर है। स्कूल्स में हॉकी का नाम मिट चुका है। हॉकी फेडरेशन में ओहदेदार हॉकी की तरक्की के लिए कम जबकि अपने जाती फायदे के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं। यही सूरत हाल रही तो शायद हॉकी के बारे में जानने के लिए म्यूजियम जाना पड़ेगा।